जी आज मैं आपको लेके आया हूँ अहमदाबाद के सिस्टर्स किचन में। यहाँ पे चार बहनों ने अपना सपना पूरा करने के लिए खोला अपना किचन। खिलाती हैं घर का खाना और वो भी सिर्फ 90 रुपीज में। जी हाँ, मात्र 90 रुपए में आपको यहाँ पे अनलिमिटेड खाना खिलाया जाता है, बड़े ही प्रेम से, बड़े ही लाड से, और वैसा ही खाना जैसा आपके लिए घर पे तैयार किया जाता है। देखिए यहाँ पे कॉन्टिन्यूस रोटियाँ बनती रहती है, कॉन्टिन्यूस थेपले सीखते रहते हैं और कॉन्टिन्यूसली लोग आके थाली एंजॉय करते रहते हैं। 90 रुपए के अंदर आपको सर्व की जाती है 2 सब्जी, साथ में खिचड़ी, साथ में चावल, रोटी, सैलेड और अनलिमिटेड प्यार। जी हाँ, जहाँ प्यार से इतना सारा प्यार डाल के जब आपको खाना बना के खिलाया जाना, उसका स्वाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। दिखाता हूँ आपको किस तरीके से खाना बनाया जाता है और क्यों लोग इतने दीवाने हैं सिस्टर्स किचन के यहाँ पे आके एक सादी बट एक बहुत ज़्यादा टेस्टी मील खाने के लिए। आइए फिर सर। हेलो, मेरा नाम मोना है और ये मेरे सिस्टर है, इसका नाम फाल्गुनी है और मेरी और 2 सिस्टर है, एक का नाम जया है और एक का नाम मंजुला है। तो हम चारों सिस्टर में साथ में मिल के सोचा कि कुछ करते। ये 3 सिस्टर तो हाउस वाइफ है और मैंने MCA किया हुआ है, पर हमने सोचा कि फूड बिज़नेस में हमको कुछ करना है, फिर हमने सोचा कि हम क्यों नहीं कर सकते। फिर सर्वे किया अहमदाबाद में, देखा कि कहाँ पे हमारा बिज़नेस चलेगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, फिर हमने शुरू किया। तो हमारे वहाँ सब मिलता है, हमारा फेमस है गुजराती थाली जो हमारा 2 टाइम लगता है, एक लगता है दोपहर में और एक लगता है शाम में, और वो हम 90 रुपीज़ में लोगों को अनलिमिटेड पेट भर के खाना खिलाते हैं। जिस 90 रुपए में अनलिमिटेड? हाँ, 90 में अनलिमिटेड। जिस मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, मजाक नहीं कर रहे, सच बता रहे। क्या क्या जाता है? गरम मसाला नहीं डालते उसमें, तो खास हम प्योर गुजराती है। गुजराती थाली में गरम मसाला नहीं? गरम मसाला नहीं। क्या क्या जाती है थाली में? थाली में जाती है 2 सब्जी जाती है, उसमें एक वेजिटेबल की लगती है और दूसरी लगती है कठोल की, जैसे मूंग है, चोरी है, चना है, वो सब लगता है। दोनों वक्त एक वेजिटेबल रहता है और एक वो रहता है। अच्छा। और दोपहर के वक्त दाल चावल रहते हैं और शाम के वक्त कढ़ी खिचड़ी रहती है, कभी राइस रहते हैं, पुलाव बनाते हैं, अलग अलग बना के बच्चों को खिलाते हैं। हाँ, 90 रुपये के अंदर अनलिमिटेड। मैं ना भाखरी बना रही हूँ अभी, इसमें हमने ये डो था जो थोड़ा दरदरा था उसमें तेल डाला, फिर थोड़ा सा नमक डाला आटे के और अपने स्वाद के अनुसार, फिर पानी डाल के इसको भूनना है। देखिए जी, अहमदाबाद में अगर आप हैं तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी डिशेज हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है, उनमें से एक है ये भाखरी। और भाखरी दरअसल रोटी के तरीके से ही जाती है, लेकिन इसका जो डो होता है वो थोड़ा सा कसा हुआ होता है, यानी कि थोड़ा सा टाइट होता है और बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। दीदी, भाखरी को किसके साथ खाया जाता है? भाखरी को चटनी के साथ, अचार के साथ और दही के साथ भी खाया जा सकता है, चाय के साथ भी लोग पसंद करते हैं, अभी जिसकी जैसी पसंद है उसके साथ लेते हैं। तो इसको रोटी की तरह ही तैयार किया जाता है तवे पे? नहीं, तवे पे नहीं होता, इसके लिए मिट्टी की तवी होती है। अच्छा। उसमें छेद होते हैं छोटे छोटे, वो हमारे काठियावाड़ के साइड की है तो उसमें बनता है, और इसको स्पेशली काठियावाड़ी भाखरी बोलते हैं। अभी आटा गूंद लिया है, अभी काठियावाड़ी भाखरी बनने जा रहा है, तो ये भाखरी ना थोड़ा सा रोटी की जरा जल्दी नहीं बेल सकते हम इसको, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और थोड़ा मेहनत भी ज़्यादा लगता है इसको बेलने में। अभी आप देख सकते हो कि बेलने में कितना दिक्कत हो रहा है। हाँ, मेहनत लगती है इसको तैयार करने में, 20 रुपये इसकी कीमत है, बहुत टेस्टी। और अब देखिए इसको डाला जाएगा। इसके ऊपर जाएगा अमूल का प्योर घी। देखिए जी, ये है सिस्टर्स किचन का मेन्यू जहाँ पे आपको थाली तो मिलती ही मिलती है, उसके अलावा आपको यहाँ पे वड़ा पाव मिलते हैं, साथ में आपको स्लाइस मिलते हैं, बटर ले लीजिए आप, चटनी स्लाइस ले लीजिए, बेवरेजेस में बहुत ऑप्शन है। उसके अलावा अगर आप यहाँ ब्रेकफास्ट खाने आए, इनका ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा सस्ता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, मात्र 20 रुपये के अंदर से इनका जो ब्रेकफास्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। आप चाहे तो भाखरी लीजिए, ठेपला लीजिए, साबूदाना की खिचड़ी लीजिए, उसके अलावा इनका मस्का बन बहुत फेमस है, वो भी बटर मस्का बन लीजिए, पाइनएप्पल वाला लीजिए, चीज़ वाला लीजिए, लेकिन इसके लिए आते हैं लोग यहाँ पे गुजराती थाली के लिए। मात्र 90 रुपये के अंदर अनलिमिटेड थाली आपको सर्व की जाती है, जिसमें 2 सब्जी है, दाल है, चपाती है, रोटी है, और शाम को 2 सब्जी के साथ साथ कड़ी खिचड़ी, भाखरी और रोटी है, और अगर आप एक्स्ट्रा कुछ लेना चाहें तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पे। गाइस ज़रूर आइएगा सिस्टर्स किचन में खाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मील। खाने को जितने प्रेम से, दुलार से, हाँ, से खिलाया जाना, हाँ, तो स्वाद ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। कितने बनाते हैं रोजाना? थेपला हम 500। अरे वाह। और ना तो
रोटी तो 1000 हो जाती है भैया हमारी। तो मजा आता है, आप पहले घर में खिलाते थे, आप लोगों को खिला रहे हैं, बहुत मजा आता है। तारीफ करके जाते हैं लोग? हाँ, सब बहुत तारीफ करते हैं हमारी, बहुत बढ़िया था। वो एक दीदी हमारी जया बहन है, वो तो बहुत सारा बहुत अच्छा पकाती है वो खाना। अच्छा, आपकी सिस्टर बड़ी? हाँ, वो बड़ी सिस्टर है, वो ज्यादातर खाना वही पकाती है। अच्छा, वही बनाती है। हाँ, हम उनकी हेल्प करते हैं ज्यादातर। और दीदी टाइमिंग क्या रहता है शॉप का? सुबह 7 बजे शुरुआत हो जाती है हमारी। अच्छा। हाँ, रात को 11 बजे तक। और आप चारों ही रहते हैं सुबह से रात तक? हाँ, चारों ही रहते हैं भाई। ये देखिए, सुबह से लेकर रात तक दो बहने इधर है, एक बहन रेस्ट पे, एक बहन आउट ऑफ टाउन है। चारों बहने मिलके चलाती है सिस्टर्स किचन, जो की अहमदाबाद का वन ऑफ दी बेस्ट है। 90 रुपए के अंदर बेच रही है अनलिमिटेड थाली। मैं कह रहा हूँ भाई, अगर आप खाना खाने के शौकीन है ना, होम स्टाइल फूड, घर जैसा खाना है। हाँ, घर जैसा खाना है। हम उसमें कुछ गरम मसाले या रेस्टोरेंट की तरह कुछ यूज़ नहीं करते। जो घर के खाने में जो मसाले जाते हैं रेगुलर, वही यूज़ करते हैं। और हमारी स्पेशलिटी है कि हम सभी लोग हैं ना, जितने भी चारे बहने हैं, हम सब मल्टीटास्किंग है। हम तवा भी जलाते हैं, हम झोंका भी लगाते हैं, और हम काउंटर पे बिल भी लेते हैं, और लोगों को सर्व भी करते हैं, और झाड़ू पोछा भी लगाते हैं, सब हम करते हैं। थाली लग चुकी है यहाँ पे, 90 रुपए की अनलिमिटेड थाली है। सबसे पहले आपको थाली दी जाती है, सब्जी डाली जाती है उसके अंदर। तो सबसे पहले देखिए आप, यहाँ पे तुरई और सेब की सब्जी डाली गई, उसके बाद यहाँ पे आ गई है आलू की सब्जी, वाह, और उसके बाद आ गई कड़ी, मेरी फेवरेट है कड़ी। और मैं आपको यही कहूँगा, अनलिमिटेड तो है, लेकिन जितना आप खा सकते हैं, जितनी क्षमता है ना, उतना ही लीजिए। बाद में अगर और खाना चाहें तो और एक्स्ट्रा लीजिए। वाह, थैंक यू। देखिए कितने प्यार से और कितने लाड से आपको यहाँ पे खिलाया जाता है। मेरे को ना अभी ऐसी फीलिंग आ रही है कि एक तरफ मेरी माँ है, एक तरफ मेरी बहन है, और मुझे ये बैठ के खाना परोस रही है। बड़ा अच्छा लगता है ऐसा माहौल जब आपको मिले और इतना सस्ता खाना मिले। सारी थाली जो है वो लग चुकी है, अब रोटी आएगी गर्मा गर्म। ये आ गया बटर मिल्क, तो बटर मिल्क भी है, कड़ी भी है, तुरई सेव भी है, आलू भी है, साथ में खिचड़ी भी है, साथ में पापड़ भी है, गर्मा गर्म रोटी भी है। जितना चाहो उतना खाओ। मैं यहाँ पर कड़ी और खिचड़ी से, खट्टी मीठी कड़ी है ये, खिचड़ी है साथ में मूंग दाल की। लेट्स हैव दिस। वाह जी वाह, आलू की सब्जी, तो राई सेब की सब्जी, पता है अक्सर ऐसा होता है मेरे साथ, मैं बहुत सारी जगहों पे जाता हूँ, पतली पतली फुल्का है वैसे, बहुत सारी जगह पे जाता हूँ, और जिस जगह से ना मुझे एकदम लाड हो जाता है, प्यार सा हो जाता है, बस ये वो वैसी जगह ही है जहाँ पे जब भी मैं अहमदाबाद आऊँगा ना, और कहीं जाऊँ ना जाऊँ, इनके पास आके इनके हाथ की ये रोटी खाए बिना जाऊँगा नहीं, जहाँ पे इतना लाड है और इतना स्वादिष्ट खाना है। मात्र 90 रुपये के अंदर अनलिमिटेड, जितना चाहो उतना। आई एम ए फैन ऑफ दिस प्लेस एंड आई लव दिस। कभी भी अहमदाबाद आओ, सिस्टर्स किचन आना, एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आना खाना, इन्हें सपोर्ट करना, इनके सपने को साकार करने में थोड़ी और मदद करना, और मुझे बताना कैसी लगी आपको मेरी रिकमेंडेशन। वन ऑफ द बेस्ट मील्स फॉर श्योर आई हैव एवर हैड इन माय लाइफ। आइएगा और ज़रूर खाइएगा।